हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेस अप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पहला बीएड का टॉपिक, जो कि हमारे 101 सब्जेक्ट नंबर 101 से है, ग्रोइंग अप एंड चाइल्डहुड। तो हमारा आज का टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बाकी सब्जेक्ट्स की भी बीएड की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंस। सबसे पहले जब आप कोई एग्जाम देंगे तो आपको पहले बिल्कुल पहला काम उसमें करना है कि आपको अपना आंसर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, थोड़ा बहुत इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, या फिर आप डेफिनेशन से स्टार्ट करिए। तो मैंने अपने वीडियो में दो डेफिनेशंस ली हैं, पहले ड्रेवर जेम्स की और दूसरी ली है स्किनर की। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस वो होता है जो हर व्यक्ति को अपने आप में एक अलग बनाता है। जैसे घर में ही अगर दो बच्चे हैं तो एक की आदत अलग रहेगी और दूसरी की आदतें अलग रहेंगी। एक को हो सकता है खेलना पसंद हो और दूसरे को हो सकता है पढ़ाई करना पसंद हो। एक को बहुत ज़्यादा टीवी देखना पसंद हो और एक को कोई गेम्स खेलना पसंद हो। तो इस प्रकार से हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान अपने आप में एक अलग होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारी पहली डेफिनेशन ड्रेवर जेम्स की। पहले ड्रेवर जेम्स की डेफिनेशन में वो कहते हैं, वेरिएशन और डिविएशन फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अकरिंग इन द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप आर इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका मतलब है कि हर इंसान ग्रुप में, जैसे कुछ एक कॉमन एक्टिविटी है तो उसमें से थोड़ा अलग होता ही है मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में। फिजिकल तो जो हमें आसानी से दिख जाते हैं, जो हम आसानी से समझ पाते हैं कि भाई इंसान की नाक, नक्शा, चलने फिरने का ढंग, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, रंग, ये अलग है। और दूसरा उसका होता है मेंटल स्टेटस, यानी किसी भी बात को, किसी भी चीज को जज करने का तरीका। तो अब हम देखते हैं हमारी दूसरी डेफिनेशन स्किनर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बीएड के सिलेबस के लिए। उन्होंने कहा है, टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनालिटी। एनी मेजरेबल एस्पेक्ट यानी जिससे हम दो लोगों के बीच में डिफरेंस बता सकें कि भाई एक की सोच ऐसी है और दूसरे की ऐसी है, या फिर एक ऐसा लिखता है दूसरा वैसा लिखता है, या एक ऐसा दिखता है दूसरा ऐसा दिखता है। तो इस तरीके से ये मेजरेबल एस्पेक्ट होते हैं जब हम दो लोगों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेजरेबल एस्पेक्ट्स को हमेशा, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब समझना, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस में समझने के लिए, कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंस आता कहाँ से है। इंडिविजुअल डिफरेंस आपका आता है सबसे पहले या तो इनहेरिटेड होता है, यानी आपने, आपके अंदर वो कहीं ना कहीं से आया हुआ है, या आपने उसको देख के सीखा है किसी से। तो देख के सीखने में, यानी जब हम किसी माहौल में रहते हैं या किसी के साथ रहते हैं, उधर से आता है। और जो इनहेरिटेड होता है वो हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से आता है। जो फिजिकल, मेंटल और टेम्परामेंटल होता है, टेम्परामेंटल यानी हमारा गुस्सा या हमारा शांत रहने का तरीका, या मेंटल जो हमारी सोच होती है, या फिजिकली हमारे जो चेहरा होता है, या फिर हमारे शारीरिक बनावट होती है उस तरीके से। और एक्वायर्ड यानी सोशल, जब हम किसी सोशल जगह पे जाते हैं, हम जैसे बहुत अच्छे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से मिलते हैं और हम उनसे कोई बहुत अच्छी चीज़ें सीख लेते हैं। कल्चरल यानी जब हम किसी कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं। इंडिया में वैसे भी बहुत सारे कल्चर्स हैं और हम, हर एक व्यक्ति अलग अलग कल्चर से आता है, तो वो अपने कल्चर से कुछ चीज़ें सीख कर आता है। अगला होता है जो एजुकेशन है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आप पढ़ाई करने जाते हैं कहीं पे भी, तो आपके टीचर्स के साथ, आपके जो पीयर ग्रुप है, जो आपके साथ पढ़ाई करने वाले फ्रेंड्स हैं,
उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं और उनके थ्रू आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो एक्वायर्ड के फॉर्म में होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के। और इमोशनल, इमोशनल भी हमारा एक्वायर्ड होता है। बहुत बार हम चीज़ें मूवी को देख के या किसी व्यक्ति को देख के हम रिएक्ट करना सीखते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन में हमको ऐसा रिएक्ट करना है, ऐसी सिचुएशन में हमको ऐसा रिएक्ट करना है। चलिए देखते हैं हमारी अगली स्लाइड। अब हमारे सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब सबसे पहला टाइप है फिजिकल डिफरेंस, जो कि मैं पहले ही आपको एक बार बोल चुकी हूँ कि शॉर्टनेस और टॉलनेस, डार्कनेस और फेयरनेस, किसी कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, या फिर कोई बहुत वीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हम जिनसे इंसान को डिफर कर पाते हैं, भाई ये अलग है, वो अलग है, तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। अब अगला है हमारा डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, सेकेंड नंबर का जो होता है इंटेलिजेंस में। कोई बहुत, आप क्लास में भी जब पढ़ाने जाते हैं, मान लो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो कोई का आईक्यू लेवल, कोई का समझने का तरीका बहुत अच्छा होता है, वो बच्चा एक बार में ही आपकी बात समझ जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक ही बात दो या तीन बार समझानी पड़ती है और उनको बहुत स्लो लर्नर्स होते हैं। तो इस तरीके से आईक्यू लेवल किसी का बहुत हाई होता है, तो उसको आईक्यू लेवल जिसका 120 अबव होता है उसको हम सुपर नॉर्मल कहते हैं, और जिसका बिलो 50 होता है उसको हम इडियट्स में गिनते हैं कि भाई ये कमजोर बुद्धि का है या इसको बात धीरे समझ में आती है ऐसा। डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी, मोटर एबिलिटी भाई अब ऐसी होती है, मोटर एबिलिटी मतलब कि इंसान का काम करने का तरीका। कोई एक बच्चा बहुत स्पीडली वर्क कर लेता है, उसी तरीके से दूसरा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। आपने बोर्ड पे कुछ लिखा, मान लीजिए एक बच्चे ने फटाफट फटाफट लिख लिया और दूसरा बच्चा वही सेम चीज़ कॉपी करने में बहुत टाइम लगा रहा है। या फिर हम ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि एक बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, एक मान लीजिए एक बच्चा वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन दूसरा बच्चा जो उसी की क्लास का है, उसी की एज का है, वो वॉलीबॉल उतना अच्छा नहीं खेल पाता। तो इस तरीके से मोटर एबिलिटी में भी डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स। ये मैकनेमर एंड टर्मन ने बताया था और भी बहुत बार इंडिविजुअल क्वेश्चन भी इस पे पूछा जाता है, मे बी आपके इंडिविजुअल डिफरेंस में क्लब करके पूछ लिया जाए। तो इन्होंने मैन और वुमेन के बीच में डिफरेंस बताया है कि नॉर्मली विमेन का नेचर कैसा होता है और मैन का नेचर कैसा होता है। हमेशा कहा जाता है पहला नंबर कि विमेन की जो ग्रेटर स्किल है वो है मेमोरी, वो बहुत ज्यादा याद रख लेती है कोई भी चीज। व्हाइल मैन हैव ग्रेटर मोटर एबिलिटी, मैन जो होते हैं या लड़के जो होते हैं उनकी मोटर एबिलिटी अच्छी होती है, यानी उनकी जो काम करने की क्षमता है या स्पोर्ट्स में वो कंपैरेटिवली लड़कियों के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सेकेंड जो बोला जाता है इनके अकॉर्डिंग कि हैंडराइटिंग जो है वो लेडीज की ज्यादा अच्छी होती है, लड़कियों की ज्यादा अच्छी होती है। और जो बॉयज हैं उनकी जो वाइल मैन है उनको हमेशा बोला जाता है कि वो मैथ्स में और लॉजिकल सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं। नेक्स्ट चीज जो बोली जाती है कि भाई वुमेन शो ग्रेटर स्किल इन मेकिंग सेंसरी डिस्टिंक्शंस टू टेस्ट, टच एंड स्मेल, व्हाइल मैन शो ग्रेटर रिएक्शन एंड कॉन्शियस ऑफ साइज, वेट, इल्यूजन। जो फीमेल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो टेस्ट, टच और स्मेल को फास्ट रिकॉग्नाइज कर लेती हैं या फास्ट उसके बारे में बता देती हैं, जबकि जो लड़के होते हैं या जो मैन सेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है हाइट, वेट एंड इल्यूजन के बारे में, वो हाइट वेट के बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से बता देता है। वुमेन आर सुपीरियर टू मैन इन लैंग्वेजेस व्हाइल मैन आर सुपीरियर इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऐसा कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो लैंग्वेजेस में ज़्यादा अच्छी होती हैं, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये लैंग्वेज हैं आपकी, तो इनमें ज़्यादा बेटर हैं वो जो सब्जेक्ट वाइज अगर हम डिस्कस करें तो। और जो लड़के हैं उनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, ऐसा बोला जाता है।
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो टर्मन और मैकनेमर ने दिया है कि वुमेन आर बेटर देन मैन इन मिरर ड्रॉइंग, फॉल्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेट्रा इन मैन वर फाउंड टू बी 3 times ऑफ सच फॉल्ट्स इन वुमेन. मिरर ड्रॉइंग मतलब झूठ बोलना या उस तरीके की चीज में वुमेन ज्यादा स्मार्ट होती हैं इंस्टेड ऑफ मैन. वुमेन आर मोर ससेप्टेबल टू सजेशंस वाइल देयर आर 3 times एज मैनी कलर ब्लाइंड एज मैन एज देयर वुमेन. जो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है मैन में वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कलर्स को. वाइल सजेशंस जो होते हैं ससेप्टेबल टू सजेशंस वो वुमेन ज्यादा बेटर तरीके से दे पाती हैं. डिफरेंस ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस. डिफरेंस इन चिल्ड्रन इंटरेस्ट टेंडेंसीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉज्ड बाय इकोनॉमिक डिफरेंस. इकोनॉमिक डिफरेंस जो होता है, जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है उस पे भी हमारे बच्चों का इंटरेस्ट, उनकी टेंडेंसी और कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करता है. डिफरेंस इन इंटरेस्ट, अब फैक्टर्स सच एज सेक्स, फैमिली बैकग्राउंड, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंसेस ऑफ रेस एंड नेशनैलिटी एक्सेट्रा कॉज डिफरेंस इन इंटरेस्ट. आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, मे बी आपकी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, तो आपको एक जगह बच्चे को कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट रहेगा उस फील्ड में, या किसी के पेरेंट्स का कोई बिजनेस है या किसी के पेरेंट कोई जॉब में है, तो बच्चे का उसका उसके बारे में ज़्यादा पता होता है, तो उस तरीके से उसका एक बैकग्राउंड लेवल क्रिएट होता है. और ऑफकोर्स डिफरेंस ऑफ रेस एंड नेशनैलिटी पे भी डिपेंड करती है बहुत सी चीज़ें. जैसे इंडिया में नॉर्मली आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, किसी और लाइक चाइना में बिजनेस बहुत ज़्यादा है या स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो उस तरीके से जो कंट्री का वो होता है उससे भी इंटरेस्ट डिपेंड करता है, या हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल डिफर होता है. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम इमोशनल डिफरेंस. इमोशनल डिफरेंस क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, मे बी कोई हमारे सामने कोई इंसिडेंस हुआ और हमने उसे बहुत पीसफुली निकाल दिया. एक बंदा है जो बहुत आराम से निकाल दिया और एक बंदा है जो ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं हमारे बैकग्राउंड पे, हमारे हेरिडिटरी पे. हमने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा, या हमने किसी अपनी फैमिली से ही आता है कि हम सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करें. कई बार बहुत ज़्यादा बच्चे लाउड भी हो जाते हैं, क्राइम तक पहुंच जाते हैं, तो वो एक बहुत ही वर्स्ट चीज़ हो जाती है. बट येस, इट इज़ अ हेरिडिटरी पॉइंट, इमोशनल डिफरेंस. हमारे नेक्स्ट डिफरेंस है पर्सनालिटी डिफरेंस, जिसमें हम देखते हैं कि हम एक इंडिविजुअल को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं या हम किस तरीके से उसको डिफर कर पाते हैं. जैसे थियोरिटिकल, इकोनॉमिक, एथिस्टिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस. थियोरिटिकल यानी उसके नॉलेज वाइज, इकोनॉमिक यानी उसका बैकग्राउंड या उसका स्टेटस कैसा है, एथिस्टिक यानी उसके बिलीव्स किस में है, सोशल यानी वो किस समाज से आता है, किस तरीके के लोगों के बीच में रहता है, पॉलिटिकल यानी उसका कैसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या वो किस तरीके का उसमें लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, एंड लास्ट इज रिलीजियस, वो किस रिलीजन से आता है. और हम लोगों को इन 3 चीज़ों पे भी जज कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवियंस. इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपने आप में रहते हैं, जो ज़्यादा बाहर के लोगों के में मिक्स नहीं होते. एक्सट्रोवर्ट जो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, जिन्हें हर बात में इंटरेस्ट होता है. और एम्बिवर्ट यानी जो सब तरीके से हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं, वो एम्बिवर्ट्स होते हैं. आता है अब डिफरेंस ड्यू टू नेशनैलिटी, जो मैं ऑलरेडी एक बार अभी डिस्कस कर चुकी हूँ. फिजिकल और मेंटल डिफरेंसेस, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी, सारी चीज़ें हमारे कंट्री या हमारी नेशनैलिटी पे भी डिपेंड करती हैं. जैसे दिखने में रशियंस जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, या जर्मन्स होते हैं वो उनको बिल्कुल भी मजाक पसंद नहीं होता, दे हैव नो सेंस ऑफ ह्यूमर. तो इस तरीके से, या इंडियंस को बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पीस लविंग हैं,
तो ये हमारी कंट्री से जो हमारी एक पहचान बनती है या हमारी हमारे में एक पीसफुलनेस या जो भी हमारे अंदर एक डिफरेंस आता है अदर कंट्री के लोगों के कंपैरिजन में, वो भी एक टाइप का इंडिविजुअल डिफरेंस ही है। तो आपको होपफुली मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पे सब, थैंक यू।